अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऐब ऑफ द डे से मैं इमाद खान और आप देख रहे हैं फोन वेल लाइव। तो व्यूअर्स आइए देखते हैं कि आज ऐब ऑफ द डे में हमारे पास कौन कौन सी ऐप्स हैं। व्यूअर्स आज की जो फर्स्ट ऐप हमारे पास है इसका नाम है फिंग। ये आप देख रहे हैं कि इसके डाउनलोड जो है 5 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं और इसकी रेटिंग जो है 4.6 इसकी रेटिंग है। व्यूअर्स स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके वाईफाई डिवाइस के साथ कितने और डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो आइए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए, हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, बहुत सिंपल से फंक्शन है इसके साथ। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे वाईफाई नेम इसमें शो हो रहा है और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ये बाकी ऑप्शन है, ये हमारे वाईफाई के साथ जितने डिवाइसेस और कनेक्ट किए गए हैं वो सारे डिवाइसेस हमारे पास इसमें शो हो रहे हैं। व्यूअर्स इस एप्लीकेशन के थ्रू आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपके वाईफाई के साथ कितने और डिवाइसेस इसमें से कनेक्ट हैं। व्यूअर्स सबसे अच्छी बात इस एप्लीकेशन में ये है कि आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू ये भी पता लग जाता है, आईपी नंबर्स का भी पता लग जाता है और MAC नंबर का भी पता लग जाता है और जितने डिवाइसेस आपके साथ मोबाइल के साथ कनेक्ट हैं वो सारी डिटेल आपको इसमें पता लग जाता है। व्यूअर्स अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना वाईफाई अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं या अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और हम ये पता लगाते हैं कि हमारे वाईफाई के साथ बाकी डिवाइसेस कितने कनेक्ट किए गए हैं। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल से भी पता लगा सकते हैं कि आपके वाईफाई के साथ कितने डिवाइसेस कनेक्ट किए गए हैं। व्यूअर्स आज की जो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है उसका नाम है स्क्रीनशॉट क्रॉप एंड शेयर। ये आप देख रहे हैं कि इसके डाउनलोड जो है 100,000 इसके डाउनलोड्स हैं और इसकी रेटिंग जो है 4.2 इसकी रेटिंग है। व्यूअर्स स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट में फिर आप आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे। व्यूअर्स हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसमें शो हो रहा है कि आपने इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। तो देखिए व्यूअर्स, आप इसको नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपके पास वो सारी डिटेल इसमें शो की जाएगी कि आपने इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है और आपने फिर उस स्क्रीनशॉट में कैसे एडिटिंग करनी है और फिर आपने उसको कैसे शेयर करना है। तो आइए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए, हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, आपने सबसे पहले इस एप्लीकेशन को यहाँ से एक्टिव करना है ताकि ये एप्लीकेशन हमारे पास इसमें स्टार्ट हो सके। व्यूअर्स तो आपने इसमें स्क्रीनशॉट लेना है, आपने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट इसमें लेना है ताकि उस स्क्रीनशॉट के थ्रू हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें एडिटिंग कैसे करेंगे। व्यूज़ ये देखिए, हमने जैसे ही ये स्क्रीनशॉट लिया हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे सारे ऑप्शंस इसमें शो हो रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन शो हो रहा है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, थर्ड हमारे पास यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन है और थर्ड लास्ट पर जो हमारे पास फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वो हमारे पास सेव का ऑप्शन है। हमने उस एडिट के ऑप्शन पर क्लिक किया, ये देखिए व्यूअर्स के हमारे पास वही स्क्रीनशॉट हमारे पास इसमें शो हो रही है। अगर आपने इस स्क्रीनशॉट को क्रॉप करना है, अगर आपने इसकी स्क्रीन डायरेक्शंस चेंज करनी है तो आप आसानी से इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको ओके किया ताकि हम इस स्क्रीनशॉट में आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल पे आसानी से स्क्रीनशॉट्स पे एडिटिंग कर सकते हैं और अगर आपने कोई भी टेक्स्ट उसमें ऐड करना है तो आप आसानी से इस एप्लीकेशन के थ्रू उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। सारी एडिटिंग करके फिर आपने स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सेव करना है। आप सेव करके उसको फिर आसानी से अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और बाकी जितने भी आप मैसेंजर्स यूज़ कर रहे हैं आप आसानी से उस एप्लीकेशन के थ्रू उसको शेयर कर सकते हैं। व्यूअर्स आई होप आपको आज की ऐप्स पसंद आई होगी, आप इन ऐप्स को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आज की ऐप्स आपको कैसे लगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप वॉचिंग फोन वेल लाइफ। अल्लाह हाफिज़।